हेलो एवरीवन, सो हैप्पी कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और आप ये वीडियो देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट 8449905766 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी सारी करियर क्वेरीज सेंड कर सकते हो। एंड टू ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो भी हमारे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट करना चाहते हैं, दे कैन मेल अस ऑन sarthak@planetstudy.in। एंड फॉर नाउ एंजॉय द वीडियो। हेलो एवरीवन, सार्थक दिस साइड, वेलकम टू द यूपीएससी वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ अबाउट द यूपीएससी एग्जाम, जनरल एलिजिबिलिटी, एग्जाम एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन कोटा, एग्जाम रिक्वायरमेंट्स एंड पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। सो ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, दैट इज ब्रीफ अबाउट द यूपीएससी एग्जाम। उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम यूपीएसईई, ये एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी है AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इन टोटल 800 कॉलेजेस AKTU से एफिलिएटेड हैं। अब इन 800 कॉलेजेस में अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, उस कोर्स की बेसिक एलिजिबिलिटी है यूपीएससी का पेपर क्लियर करना। बात करते हैं डिग्री क्राइटेरिया की। बैचलर लेवल के जितने भी कोर्सेज हैं जैसे BFA, B फार्मा, BCom, इन सब में एडमिशन लेने के लिए 10+2 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्टूडेंट पास होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का मतलब स्टेट बोर्ड जैसे गोवा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, या फिर नेशनल लेवल के बोर्ड जैसे CBSE एंड ICSE। एडमिशन होता है प्योर रैंक बेसिस पर। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं और उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आपको अपना कॉलेज अलॉट किया जाता है। एग्जाम मोड होता है ऑफलाइन, कोई कंप्यूटराइज्ड बेस्ड असेसमेंट्स यहाँ पर नहीं कंडक्ट होते और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे भी कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने चाहो उतने अटेम्प्ट्स दे सकते हो। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की तरफ। ये डिफर करता है कोर्स टू कोर्स। अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो फिजिक्स और मैथ्स आपके पास एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में, और केमिस्ट्री, बायोटेक, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशन, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपके 40% मार्क्स, और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 45% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए अगर आपको बीटेक करना है फ्रॉम AKTU यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस। ऐसे ही आप डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को स्क्रीन पर देख रहे हो। वीडियो को पॉज करके अपने कोर्स को आप पहले चेक करें और उसके सामने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप चेकआउट कर सकते हो, चाहे आपका कोर्स बैचलर्स लेवल का हो या फिर चाहे मास्टर्स लेवल का हो। चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। OMR बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है एक्सेप्ट ड्राइंग बेस्ड असेसमेंट। ड्राइंग एप्टीट्यूड का जो असेसमेंट होता है उसमें कोई OMR शीट नहीं होती। उसके अलावा जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसमें OMR शीट होती है। OMR शीट में क्या होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और जो ऑप्शन आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट लगता है आप उस पे सर्कल कर देते हो। आप OMR शीट बेस्ड एग्जाम के थ्रू फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री या फिर सेकंड ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लेते हो। फर्स्ट ईयर में एडमिशन वो लेते हैं जो 12th पास आउट होते हैं, और सेकंड ईयर में एडमिशन वो लेते हैं जो डिप्लोमा कंप्लीट करके एंट्रेंस एग्जाम में परस्यू करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर टू पेपर वेरी करते हैं और सारे एग्जाम्स 3 आवर्स के कंडक्ट किए जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती और 4 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर आपको इस पेपर में अलॉट होते हैं। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। 3rd वीक ऑफ जनवरी से लेकर 3rd वीक ऑफ मार्च तक फॉर्म अवेलेबल होते हैं। अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, मई के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट होता है और विद इन फ्यू डेज आंसर की भी रिलीज हो जाती है जिससे आप अपने आंसर्स को कंपेयर कर सकते हो। जून में आपका रिजल्ट आ जाता है और जुलाई 3rd वीक या 2nd वीक के आसपास आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया की तरफ। SC, ST, OBC इनके लिए डिफरेंट सेट ऑफ रिजर्वेशन अवेलेबल है और कुछ सब कैटेगरीज हैं जैसे डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम यूपी उनके लिए 2%, फीमेल्स फ्रॉम यूपी उनके लिए 20% एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड उनके लिए 3%। तो सारे टाइप के रिजर्वेशन आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का मैं आपको नाम बताता हूं जो यूपीएससी का स्कोर कंसिडर करते हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए। IIT कानपुर, IIIT इलाहाबाद, MET यूनिवर्सिटी, GL बजाज, MNNIT इलाहाबाद। तो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1300 रुपीस फीस है। SC, ST और PH कैटेगरी के लिए 650 रुपीस फीस है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर आपके काउंसलिंग सेशन से स्टार्ट होंगे और काउंसलिंग के बाद आपके सिलेक्टेड कोर्स में अलॉटेड कॉलेज में आप एडमिशन ले लोगे। चलते हैं एग्जाम डे एसेंशियल्स की तरफ। अपना एडमिट कार्ड, ID प्रूफ, पेंसिल एंड पेन, इन चार चीज़ों के अलावा ना तो कोई आपको पेपर लेके जाना है, कोई आपको वॉच लेके नहीं जानी जिसमें आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, और कैलकुलेटर तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑल द बेस्ट अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करो, हो सकता है एक कम्युनिटी बने, वो सारी कम्युनिटी मिल के उस कॉमेंट का आंसर करे। और हम सब मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।